श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आज यानी 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। इस भव्य समारोह में आपको यूपी पुलिस का एक अनोखा प्रयोग देखने को मिलेगा। हमेशा खाकी वर्दी पहनकर सुरक्षा की कमान संभालने वाली पुलिस पहली बार अयोध्या में बदली बदली नजर आएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इंस्पेक्टर और सिपाही विशेष रूप से तैयार सिविल ड्रेस सूट पहनकर अयोध्या आने वाले विशिष्ट अतिथियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेंगे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है। ये एक ऐतिहासिक पल है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए, और जो कुछ ड्यूटियां ऐसी भी होंगी जहां पे हमें अपने सॉफ्ट स्किल, मधुर व्यवहार के से आम जो दर्शनार्थी आएंगे उनके दिल को जीतना है, तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे वहाँ पे पुलिस की के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है, और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे, क्योंकि अन्य जो ड्यूटियाँ होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी। लेकिन हम लोगों ने इसमें इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है, और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे, और हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो, और उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो मौके पे उसको दूर किया जाएगा। कुछ प्रशिक्षु आईपीएस ऑफिसर जो विभिन्न राज्यों से भी आए हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि अन्य प्रदेशों से आने वाले विभिन्न भाषा को बोलने वाले जो श्रद्धालु आएंगे उनसे भी हम अच्छी तरीके से निपटें। तो एक उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक प्रयोग किया जा रहा है, इस तरह का प्रयोग 2019 के महाकुंभ में भी किया गया था, और मुझे पूरी आशा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को जो जिम्मेदारी और चुनौती मिली है उसका उस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस अग्नि परीक्षा में हम सफल होंगे। अयोध्या में इस अनोखे प्रयोग के लिए खास कपड़े लखनऊ में तैयार किए जा रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्ड पुलिसिंग के लिए विशेष रूप से चयनित पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया है।